जो है आपका। साहिल भ्याना जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप सब मेरे छोटे से निवेदन पे आप सब यहां पहुंचे हो। विषय एक बिल्कुल साफ है। कल एक षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का। वो षड्यंत्र कैसे रचा गया, मैं कोई भी बात में सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोई भी बात बिना सबूत के नहीं करूंगा, सबूत अपने साथ लेके बैठा हूं। कल एक षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। उसमें यह कहा गया कि विनोद भ्याना जी के गुंडों ने किसी परिवार को पिटवाया। मैं उसका सबूत दूंगा आपको कि क्या एक्चुअल में हुआ था और क्या उनका षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि विनोद भ्याना जी ने गुंडे भेजे और विनोद भ्याना जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजे ताकि वो चुनाव का वो दिशा पलट सके। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, ये एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। ये चार लोगों की साजिश है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। सुमन शर्मा जी, प्रवीण तायल जी, प्रवीण एलावादी जी और राहुल मक्कड़ जी, इन चार लोगों को दिखा कि ये चुनाव हाथ से जा चुका है, तो उन्होंने एक साजिश रची कि भाई इस चुनाव में हम अपनी हाजिरी अब कैसे लगा सके, इसको कैसे बचा सके। उन्होंने कहा कि हैप्पी, ये हमारे पांच वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये घटनाक्रम वार्ड नंबर पांच, ये वार्ड नंबर पांच में घटनाक्रम हुआ। ये वार्ड नंबर पांच से हमारे प्रत्याशी हैं हैप्पी जी। ये आप अब इनको देखो एक बार, क्या आप सब लोग हंसी के हैं, जो मेरे दर्शक सब देख रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, तो क्या ये भाई आपको लगता है सुमन शर्मा जी के परिवार को ये पिटवा सकता है या ये पीट सकता है? सब समझदार लोग हैं, ये बेचारा शरीफ आदमी हैप्पी तो कोई गुंडा गुंडा गुंडागर्दी करता है भाई? असली काम है तेरा क्या काम करता है बताइयो? मैंने एक छोटी सी नाई की दुकान है जी लाल सड़क पे, और 8 सालों से दुकान है, और अपना सभी के साथ बहुत भाईचारा है, प्यार प्रेम है। एक गरीब आदमी है जी, दलित समाज से आता है, इसने सोचा कि वार्ड में 35 साल से एक परिवार राज करता आ रहा है, जिस उन्होंने इसको ठेकेदारी प्रथा बनाया हुआ है कि भाई 35 साल से हम इस वार्ड के पार्षद हैं। उन्होंने हासी शहर की चेयरमैनी भी उनके परिवार में रही और 35 साल से इस वार्ड के पार्षद हैं। कभी तो वो कहते हैं कि भाई हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक की तैयारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर कभी कहते हैं हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, हम चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, और लेते कि पार्षद का चुनाव जीतने के लिए भी देखो कितना बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ा उनको। मतलब अगर वो इतने बड़े नेता हैं, इतना कुछ है, तो क्यों नहीं लड़े चेयरमैन का चुनाव? क्या कारण हुआ कि उनको चेयरमैन का चुनाव लड़ने में भी डर लग रहा था, और आज तक आज उनको जब उनकी पार्षद की सीट भी जाती हुई दिखी है तो उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचने का काम किया? मैं आपको दिखाता हूं, मैं सबूत से बात कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं हुआ क्या। उन्होंने कहा कि भाई कोई जनसभा वो कर रहे थे और उसके ऊपर से ईंटें बरसा दी इसने और इसके कुछ साथियों ने, कुछ ईंटें बरसा दी और वो सब लोग घायल हुए। और एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो भाई वहाँ पर था भी नहीं, आप मौके पे थे अभी? ये मौके पर हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, वहाँ पर था भी नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी वीडियो क्लिप ला के दे देगी ये वहाँ की, इसकी वहाँ की हाजिरी हो, ये हमारा भाई वहाँ पर बिल्कुल हाजिर भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईंटें बरसा दी गई, वो एक षड्यंत्र था, उन्हीं के लोग थे पूरी मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 8 बजे का टाइम था, रात के 8 बजे, हालांकि चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हो गया था, 8 बजे का टाइम था, अंधेरे में चुनाव प्रचार करने की, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं। आचार संहिता का उल्लंघन किया सबसे पहले तो उन्होंने ढोल धमाकों के साथ, ये देखिए ढोल धमाकों के साथ कम से कम 100 आदमी, उन 100 आदमियों को ये बेचारा हैप्पी पीट देगा, सोचने की बात है। मैं एक वीडियो और दिखाता हूं आपको चुनाव प्रचार से रिलेटेड ही, ये देखिए उनकी जनसभा चल रही है, वो नोटों की माला पहन के खड़े, बार बार कह रहे थे ना नोटों की माला पहना रहे हैं, मेरे ऊपर अंधेरा है, आप ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए, ऊपर अंधेरा है, रात के 8 बजे के, 8 बजे का ये वो है जो इनकी जनसभा है, रात के 8 बजे की है, ऊपर अंधेरा है, हालांकि 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया, ये जनसभा कर रहे हैं यहाँ पर, ऊपर अंधेरा साफ दिखाई दे रहा है, इसी में झगड़ा हुआ है, इसी जनसभा में झगड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं भाई हमारे परिवार को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। अब इनके परिवार के कुछ सदस्य वहां पर गए और नहीं दिखाना है मुझे, तो इनके परिवार के कुछ सदस्य वहां थे, बाय चांस जब वो झगड़ा हुआ, हैप्पी का मेरे पास कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथियों को पीटा गया है, बुरी तरह मारा गया है,
आप एक बार फटाफट सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए। बाय चांस मैं हिसार चुंगी के आसपास था, तो मैं सिर्फ 1.5 मिनट में सिविल हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां मैं क्या देखता हूं कि भाई जो हमारा साथी है उसके यहां से सिर फटाफट उसको 23 टाके आए हैं जी, मेरे 23 टाके आए हैं। जो हैप्पी का साथी है उसकी फोटो भी है मेरे पास, सारा कुछ है। 23 टाके आए हैं उसको, 23 टाके उसको ईंटें लगी है, कहाँ कहाँ नहीं मारा गया उसको। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि पीयूष शर्मा जी, पीयूष शर्मा उनके भतीजे हैं, सुमन शर्मा जी की मेरे ख्याल में, पीयूष शर्मा जी उनके भतीजे हैं, वो वहाँ आते हैं एक मोटरसाइकिल पर बैठ के, आराम से उतर के पैदल चल के अंदर जाते हैं, और उसके बाद फिर व्हीलचेयर लेके इधर उधर घूम भी रहे हैं। सारा वीडियो है मेरे पास, सरकारी कैमरे की CCTV फुटेज निकलवानी पड़ी है। तो भलाओ सरकार का कि कैमरे लगे हुए थे, चालू थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसको आप देखिए जी। ये एक मोटरसाइकिल से पीयूष शर्मा जी उतरते हैं, ये उतरकर अंदर गए। अब नेक्स्ट कैमरे में देखिए, ये नेक्स्ट कैमरे में बिल्कुल ठीक ठाक चल के जा रहे हैं। ये रेड टी शर्ट में, रेड टी शर्ट और शॉर्ट्स निकर जिसमें उन्होंने डाली हुई है, ये रेड टी शर्ट में पीयूष शर्मा, ये कैपरी डाली हुई है रेड टी शर्ट में पीयूष शर्मा जी। ये देखो व्हील चेयर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है आपके सामने है, बिल्कुल भले चंगे हैं, कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको? मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखो, ये पीयूष शर्मा जी मोटरसाइकिल से उतरते हैं, खुद आते हैं, फोन कान पे लगाया हुआ है, किसी साथी से हाथ मिलाया है, अंदर आए हैं, रेड टी शर्ट डाली हुई है और कैपरी डाली हुई है। ये देखिए, ये हैं अंदर गए, फोन कान पे लगाया हुआ, आराम से मस्ती में चल के जा रहे हैं। अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ये भागते हुए आए हैं व्हील चेयर लेके इधर उधर जा रहे हैं, सबको दिख रहा है बिल्कुल ठीक ठाक है। और ड्रामा, ड्रामा कब शुरू हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि ड्रामा क्या हुआ। जब वहां पर थोड़ा सा हाहाकार मच गया कि भाई शर्मा परिवार के सदस्य को पीटा गया, शर्मा परिवार के सदस्यों पर ईंटें बरसाई गई, ये 5 वार्ड में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो एक्चुअल में जब वहां मीडिया इकट्ठा हो गया, ये सारे जो मुखौटा डाल गए हुए हैं ना, जो JJP के और कांग्रेस के लोग जब एकत्रित हो गए, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी विपक्ष था, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के लोग हो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, जब ये इकट्ठे हो गए तो इन्होंने एक ड्रामा रचा कि भाई विनोद भ्याना ने 5 वार्ड के प्रत्याशी नितेश शर्मा और उनके परिवार को पिटवाया, ये है वो है, मतलब पूरा उन्होंने राजनीति हवा बनाने की कोशिश करी। और एक्चुअल में जब वहां पर मीडिया पहुंच गया, जब ये साथी पहुंच गए, उसके बाद की एक क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये प्रवीण एलावादी जी पीयूष शर्मा को अपने कंधे पे लेकर आ रहे, दो लोगों ने उनको अपने कंधों पर हाथ रखे हुए हैं, उनको ग्लूकोज की बोतल हाथ में पकड़ाई हुई है। मैं आपको बार बार दिखाऊंगा ये वीडियो, देखो कमाल की बात। ये उनको एक प्रवीण एलावादी जी कंधे पे, उनका एक हाथ है, कोई और साथी है, एक हाथ में किसी तीसरे आदमी ने ग्लूकोज की बोतल पकड़ी हुई है। ये देखो कितना, क्या कितना बड़ा ड्रामा है। अब ड्रामा देखो कि पीयूष शर्मा जी, प्रवीण एलावादी जी के कंधे पे एक हाथ है, दूसरा हाथ किसी दूसरे साथी के कंधे पे है, और एक आदमी ने ड्रामा करते हुए ग्लूकोज की बोतल पकड़ी हुई है, एम्बुलेंस में बिठा के उनको हिसार ले जाया गया। आपने देखा वो किस चीज पे आए थे, मोटरसाइकिल पे आए हैं, उतरे हैं, भले चंगे, खुद अंदर गए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं, अंदर जाकर सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर जब मीडिया वहां पर इकट्ठा हुआ, उन्होंने ड्रामा रचना था, षड्यंत्र रचना, उन्होंने जाकर कहा कि भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा, जो मीडिया है इसको कैश किया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन हार रहे हैं। ये गरीब साथी हमारा, ये दलित साथी, ये साधारण सा व्यक्ति, जब उनको वार्ड के पार्षद के चुनाव में जब हरा देगा, तो उन्हें खतरा हो गया कि भाई अब उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीति दुकान बंद हो जाएगी। उनको लगा कि भाई 35 साल की जो हमारी ठेकेदारी थी वो अब खत्म होने जा रही है, तो उनको ये डर लग गया कि भाई अब अगर हम ये पार्षद का चुनाव हार गए, तो उन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए। उन्होंने लोगों से सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब ड्रामा किया। मैं सबूत आपके सामने पेश किया, मैं आपको वीडियो फिर से दिखाता हूं। मैंने आपको दिखाया कि वो भले चंगे मोटरसाइकिल से उतरकर अंदर गए हैं, और उसके बाद व्हील चेयर लेके इधर उधर घूम रहे हैं, साथियों से हाथ मिला रहे हैं, और जब मीडिया वहां पर आ गया, तो उसके बाद ये देखो प्रवीण एलावादी जी, जो JJP के और कांग्रेस के मिले झूले प्रत्याशी हैं, वो उनके कंधे पे हाथ रख के, ये देखो ग्लूकोज की बोतल हाथ में है, एक हाथ एक कंधे पे है, दूसरा दूसरे कंधे पे है, ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे न जाने कितनी हड्डियां टूटी हो। सर यहाँ दो क्वेश्चन रेस होते हैं, मैं इंटरप्ट करूं। जी जी, पहले तो आप बताइए कि आपने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की एप्लीकेशन
उसमें दी है या नहीं दी है? देखिए, चुनाव प्रचार होने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ ये प्रचार करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने हैप्पी को कहा कि आप ये एप्लीकेशन दो, या तो इनका नामांकन रद्द होगा या चुनाव पोस्टपोन होगा। इसने कहा कि नामांकन रद्द कराने की जरूरत नहीं है, चुनाव पोस्टपोन कराने की जरूरत नहीं है, हम 100% चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप चुनाव पोस्टपोन कराओगे, नामांकन रद्द कराओगे, तो उन्हें लगेगा कि सरकार का दबाव बनाकर ये चुनाव कैंसिल कराया गया इनके वार्ड का, या फिर इसको पोस्टपोन कराया गया। इसलिए इन्होंने कहा कि हम 100% चुनाव जीत रहे हैं, आपको चुनाव में छेड़छाड़ करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो जाए, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, और ये करने को तैयार है। क्या एब्रेजिस की कटी है, शार्प इंजरी कटी है, कोई टूट फूट की कटी है, वो डॉक्टर्स के बताइए कि बताइए। ये अभी देखने की बात है, क्योंकि इनको यहाँ से हिसार रेफर कर दिया था, ये लगभग रात को 10 बजे का वाक्य है। या कटी ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर्स ही आगे देखते नहीं अभी इस आदमी को, चोट है कि देखिए क्या हुआ। मेरे डॉक्टर से बात हुई, जब ये बिल्कुल भले चंगे आए, तो डॉक्टर मैंने डॉक्टर से पूछा, यार ये तो बिल्कुल ठीक थे, मैंने आज सुबह बात करी, आपने इनको हिसार को रेफर किया? तो इन्होंने कहा कि मेरे को बहुत गुम चोट है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर, मुझे लग रहा है कि मेरा पैर टूटा हुआ है। इनको कह रहे मेरी MRI कराओ, मेरी अल्ट्रासाउंड कराओ, इसलिए मेरे को हिसार रेफर किया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर MRI की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि आप पता किसी का पैर टूटा हो, तो डॉक्टर बाहर से देख के नहीं बता सकता ना कि पैर टूटा, उसके लिए एक्सरे और MRI करने की जरूरत पड़ती है। जो आगे रेफर कर दो, उसको रेफर कर देते हैं। नहीं, अगर तो देखो सामने से कोई कहे कि भाई मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरे को जरूरत है, तो डॉक्टर यूं थोड़ी कहेगा कि नहीं आपका पैर नहीं टूटा। वो तो हाँ, वो देखो ना, कमाल की बात यही है, वही डॉक्टर को थोड़ी पता है बाहर से कैसे आया, आप समझिए डॉक्टर अंदर थे अपने कैबिन में। ये तो मेरा दिमाग का, अब मेरा दिमाग क्यों चनका आपको मैं बताऊं, जब ये पीयूष शर्मा जी वहां थे, जब वहां पहुंचे, मैं वहीं खड़ा था, क्योंकि मेरे को हैप्पी का फोन आ गया था। अब वो कहते हैं कि भाई हैप्पी हमें पिटवाना चाहता है, हम शरीफ आदमी हैं, और हैप्पी गुंडा है, बार बार उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, ये गुंडे हैं। अरे बताओ, इस भाई की शक्ल देख के बताओ यार, एक नाई का काम करने वाला, सुबह कमा के शाम को रोटी खाने वाला आदमी, ये गुंडा है? मतलब ये कहां से गुंडा लग रहा है आपको? और ये लोग न जाने कहां का, अब आपको मैं सब, उसकी भी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने मेरे साथ भी इनकी झड़प हुई, पूरा गाली गलौज हुआ, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, ये देखो। आपके साथ मिस हैंडलिंग हुई? मेरे साथ मिस हैंडलिंग, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, और पूरी, हाँ ये एक वीडियो देखो, जब मैं वहां से निकल रहा हूँ, ये मैं हूँ जी, जब मैं वहां से निकल रहा हूँ, 10-12 मेरे साथ साथी हैं, 10-12 मेरे साथ साथी हैं, उसके बाद वो आते हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की करते हैं। उनका मेरे ख्याल में सुमन शर्मा जी का बेटा था आकाश, उसने, ये देखो ये लड़का भद्दी भद्दी गालियां दी उसने, मतलब मैं क्या मीडिया के सामने शब्द प्रयोग करूं, ये तो मैं था कि चलो भाई हम शरीफ आदमी हैं, हम लड़ाई झगड़े पढ़ना नहीं चाहते, भगवान की दया से हम जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए ये चुनाव में भंग डालना चाहते हैं, ये चुनाव में भंग डालना चाहते हैं, और ये झगड़ा करना चाहते हैं, ये शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, और इसलिए ये चुनाव में भंग डाल के शहर का माहौल खराब करके चुनाव को कुछ की ये सोच रहे कि किसी भी तरह से साम दाव दंड भेद किसी भी तरह से चुनाव को पलटा जाए। कॉन्स्पिरेसी आप जिसको कह रहे हैं, इसमें कौन-कौन लोग? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, एक तो किसी के जिसके कंधे पर वो हाथ रख के आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि इसको चोट लगी है कि नहीं लगी। वो इस वीडियो में भले चंगे बाइक से उतर के फोन पे बात करते हुए अंदर गए हैं, और जब परवीन इलाहाबादी जी वहां आए, अब ना जाने इनकी क्या अंदर बातचीत हुई। एक हाथ तो रखा उन्होंने परवीन इलाहाबादी जी के कंधे पे, और एक हाथ रखा किसी और साथी के, और तीसरा साथी ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेके इनको, मतलब भी ढोंग में शामिल है, बिल्कुल 100% ढोंग में शामिल है, और इससे ज्यादा, इससे बड़ा सबूत क्या दें हम? यानी कि वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, 100% शामिल है, 101% उसका प्रूफ है, मैं अपने मुंह से कोई बात नहीं बोल रहा। उनका मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को और हासी शहर के विधायक, हासी हल्के के विधायक श्री विनोद भ्याना जी को किसी भी तरह बदनाम किया जाए, और जो चुनाव उनके हक में, भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रहा है, उसको किसी भी तरह से पलटा जाए। नहीं तो उनको दिख गया कि चुनाव का माहौल अब टोटल बदल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के हक में चुनाव जा रहा है, किसी भी तरह से इस चुनाव को पलटा जाए। वही तब दिख रहा है, षड्यंत्र जो रचा गया था उसी का ही तो मैं पर्दाफाश किया मैंने। परवीन तायल जी एक ऐसे आदमी हैं, आप सब मीडिया के साथी हो, उन आपने कभी भी किसी के भी माइक में, उन्होंने कभी भी किसी के लिए अच्छा बोला है?
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्होंने माइक पकड़ा है उन्होंने अपने मुंह से विष उगला है, जब भी उन्होंने माइक पकड़ा है अपने मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग किया है। एक मिनट बाबू, जब भी उन्होंने माइक पकड़ा है तो उन्होंने अपने मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग किया, चाहे वो किसी के प्रति। मैं आप सब मीडिया के साथियों से और जो जनता देख रही है, मैं उन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विनोद भ्याना जी 25 साल से हांसी हलके की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने श्री अत्तर सिंह सैनी के टाइम से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 5 विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, श्री अत्तर सिंह सैनी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, श्री सुभाष गोयल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, स्वर्गीय श्री अमीर चंद मक्कड़ जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, रेणुका बिश्नोई जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और कुलदीप बिश्नोई जी से भी हमारा 36 का आंकड़ा रहा। आज हम भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी हमारा नहीं मतलब खिलाफत है, ठीक है, हम अलग पार्टी में। कभी भी विनोद भ्याना जी के मुंह से, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, कभी भी विनोद भ्याना जी के मुंह से आपने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए सुना है? एक भी वीडियो लाके देख लो, किसी के भी ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी भी किसी के ऊपर करी है? अगर किसी की खिलाफत करी है तो राजनीतिक खिलाफत करी है। कोई भी एक वीडियो पिछले 25 साल के इतिहास में एक वीडियो लाके दिखा दो कि भाई विनोद भ्याना जी ने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो। और ये लोग क्या करते हैं? अब इनके पास मुद्दा नहीं है तो क्या कहते हैं, विनोद भ्याना रावण है, विनोद भ्याना डाकू है, इस तरह से वोट देगी जनता? व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रवीण तायल जी ने कम से कम 6 जनसभाओं में कहा है कि विनोद भ्याना रावण को वोट दोगे। कमाल की बात है, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर वोट लेना चाहते हैं। आप सब लोग समझदार हो, मैं सभी सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूं कि हमारे संस्कार कभी कहते हैं कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करो? अरे आपकी राजनीति लड़ाई है, राजनीति लड़ाई लड़ो ना, लड़ो कभी सामने आके, चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो चैलेंज करता हूं आपको, विधानसभा का चुनाव लड़ो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हो? सर एक बात, अगर वो 7 बार आपको रावण कहता है तो एक बार तो आपको भी तो उसको रिटेलिएट करना। नहीं, ये आवाज बंद हो, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ये सब अपने अपने संस्कारों का खेल है, ये उनके संस्कार है जो वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो उनसे उम्र में बड़े हो, चाहे ओहदे में बड़े हो, चाहे पद में बड़े हो, वो उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। ये हमारे संस्कार में कभी नहीं है, ना हमने कभी की व्यक्तिगत टिप्पणी और ना हम कभी भी करेंगे। जी चलो, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसकी टांग खींचने का काम हमेशा होता है, लेकिन जनता आपको देख पा रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे पूरी हांसी की जनता? इसी टॉपिक पर दोबारा बात करना चाहूंगा, वहाँ पर प्रवीण अलावादी भी थे, प्रवीण तायल भी थे, सुमन शर्मा, नितेश शर्मा सब थे, क्या उनका एक ही मकसद था कि बीजेपी की छवि और हैपी की छवि खराब करना? सिर्फ एक मकसद था कि 5 वार्ड से नितेश शर्मा चुनाव हार रहे हैं और हांसी शहर से प्रवीण एलावादी जी चुनाव हार रहे हैं, इस चुनाव को किसी भी तरह से पलटना है, क्या किया जाए, ऐसा कैसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए जिससे कि चुनाव में लोगों की सहानुभूति लेकर चुनाव को हम पलट सके। मेरा सवाल ये था कि प्रवीण तायल ने कहा कि SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक बात बताओ, ये हमारा भाई धानक बिरादरी से है, ठीक है, ये SC में आते, कभी इसके खिलाफ SC एक्ट कैसे मुकदमा दर्ज होगा? आप सब समझदार हो। अरे इस बिचारी, ये बेचारा मौके पर भी नहीं, इस बेचारे ने कुछ किया नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के 10-12 गुंडों ने उनको पिटवा दिया। अरे 100 लोगों को लेकर आप वहां पर रोड शो कर रहे हो अपने वार्ड के अंदर ढोल धमाकों के साथ, आप 100 लोग हो, ये 10-12 लोग आपको पीट के चले गए। और सर मैं सभी को बताना चाहूंगा, गुंडागर्दी तो वो दिखा रहे थे, मैंने कभी भी मीडिया आगे कभी किसी के आगे ये बात नहीं रखी है। पहले तो मेरा ऑफिस खाली करा गया, स्टार्टिंग में ऑफिस खाली करा गया, फिर मेरे बैनर भी पाड़े गए, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं सोचा भाई अब शरीफ बंदे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से अब चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने तरीके से चल रहे थे सर, लेकिन उनको लास्ट में आके लगा भाई मैं चुनाव हार रहा हूँ तो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए। तो ये तो शुक्र है भाई सरकार का, ये अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर अच्छे कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे इनका ड्रामा पर्दाफाश हो गया, भांडाफोड़ हो गया और पर्दाफाश हो गया उनका। हांसी की पब्लिक को तो पता ही नहीं ये इतना भी ड्रामा कर सकते हैं। और वैसे भी 35 साल में 5 वार्ड की बताता हूँ आपको, 35 साल से ये 5 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और एक इन्होंने ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे 5 वार्ड में कोई भी इनके खिलाफत नहीं जाना चाहता। और मैं तो सिर्फ छोटे छोटे अच्छे कार्य करता हूँ
और इसी वजह से अच्छा ही काम करने के लिए मैं आगे आया था और पब्लिक के कहने पे ये आगे आया था। मेरे तो एक छोटी सी नाई की दुकान है, दलित समाज से मैं आता हूँ और सिर्फ अच्छा काम करने के लिए आया था। बाकी पब्लिक को पता है, पब्लिक की सहानुभूति भी मेरे साथ है और सभी पब्लिक का पूरा सहयोग है। इसी वजह से मैं अपने तरीके से चुनाव लड़ रहा था और ये चुनाव हार रहे थे, इसी वजह से उन्होंने ये ड्रामा क्रिएट करा। एक छोटा सा चुनाव नहीं जीत सकते वो। इन टोटल सिर्फ एक बात है, मेरा जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो चुका है, आप इस बात को समझिए। मैं ये वीडियो आप सभी प्रेस वाले साथियों को दे दूंगा, आप इसको दिखाइए कि किस प्रकार से वो आए हैं और किस प्रकार से वो वापस निकले हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हांसी में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह हराया जाए, वार्ड 5 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए ये सब विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें अलायंस पार्टी, वो अलायंस पार्टी जरूर है लेकिन हांसी के चुनाव में वो आज के दिन विपक्षी पार्टी। आप ये सब लोग अच्छे से जानते हो कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत करना चाहते थे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इनके षड्यंत्र को समझिए और मतलब जो कल चुनाव होने जा रहे हैं इसमें इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि भाई अगर आप षड्यंत्र करके कोई चुनाव जीतना चाहोगे तो वो हांसी की जनता ऐसा नहीं होने देगी। जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर अपील है कि इनका जो षड्यंत्र है इसको आप समझिए और जो ये विपक्षी दल एक होकर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, भारतीय जनता पार्टी जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने दीजिए। बस धन्यवाद। बिल्कुल मजबूत है, मजबूती के साथ खड़े हैं, नहीं घबराने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन सच लाना सामने भी तो जरूरी है।